जैसे ही सूत जी महाराज ने सोनक आदि 88,000 ऋषियों को शिव पुराण के विषय में बताया, चरणों में गिर गए। हे प्रभु, आप कृपा करके हमें भी शिव महापुराण की कथा सुना दीजिए। तब जाकर के वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य नैमिषारण्य के बरगद के वृक्ष के नीचे बनी हुई व्यास गद्दी पर सूत जी महाराज को निमंत्रण देकर, आमंत्रण देकर व्यास गद्दी पर सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने बिठाया। मुख्य यजमान के रूप में सोनक ऋषि बैठे और सामने पंडाल में 88,000 ऋषि बैठकर शिव पुराण की कथा प्रारंभ कराई। सूत जी महाराज ने पहले दिन शिव महापुराण का परिचय सुनाया। चतुर्विंशति सहस्त्रो, हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए, जो भी कथा को सुन रहे हैं, चतुर्विंशति सहस्त्रो ग्रंथोयम सप्त संगीतः भक्ति त्रिक्सु संपूर्ण श्रृणु या तम परादरा। ऋषियों, इस महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक है जरा जोर से बोलो, 24,000, और 7 संहिताएं हैं। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कितने कांड दिए हैं, बोलो ना, 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्कंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। धन्यरा, जैसे गीता में 18 अध्याय दिए, ठीक इसी प्रकार शिव महापुराण का परिचय कराते हुए सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, इस 24,000 श्लोकों को 7 संहिताएं हैं। विंदेश्वर संहिताद्या, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया सत्र रुद्राख्या, कोटि रुद्र चतुर्थिका, पंचम उमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायु व्याख्या, सप्तम वह संहिता ही है। ध्यान देना, 24,000 श्लोक वाली शिव महापुराण में कितनी संहिता, जोर से बोलो, 7। पहली संहिता का नाम है विंदेश्वरी संहिता। नोट कर, शिव पुराण का परिचय आपके जीवन में होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, तभी तो शिव पुराण की कथा का फल प्राप्त होगा। जैसे कोई भी विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में किसी भी प्रश्न का उत्तर बाद में लिखना शुरू करता है, पहले 2 चीज लिखता है, अपना कॉपी में नाम लिखता है, दूसरा रोल नंबर लिखता है। अगर बिना नाम और बिना रोल नंबर के कोई परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया दे आवे तो परीक्षा देने का फल मिलेगा क्या, जोर से बोलो ना, नहीं। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कथा का पहले दिन परिचय और दूसरे दिन महत्व नहीं सुना जाएगा, तब तक उस कथा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। पहली संहिता का नाम है विंदेश्वरी संहिता, द्वितीया रुद्र संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी सत रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पंचम उमा संगीतोक्ता, पांचवी उमा संहिता है और छठी संहिता कैलाश संहिता है,
सप्तमी वायव्याख्या, सातवीं संगीता का नाम वायव्य संगीता है। विंध्येश्वरी संगीता में 2000 श्लोक हैं। यानी ना विंध्येश्वरी पहली संगीता में शिवपुराण के कितने श्लोक हैं जोर से बोलो। 2000। दूसरी संगीता में 10500 श्लोक हैं। और तीसरी संगीता में 2180 श्लोक हैं। और चौथी संगीता जिसको कोटि रुद्र संगीता चौथी संगीता है, इसमें 2240 श्लोक कोटि रुद्र संगीता में है। और पांचवी उमा संगीता में 1840 श्लोक है। और पांच छठी संगीता कैलाश संगीता में 1240 श्लोक है। और अंतिम सातवीं वायु संगीता में 4000 श्लोक है। इस तरह से शिवपुराण का सूत जी महाराज ने परिचय दिया और दूसरे दिन का महत्व सुनाते बोले, राज सुये नियत पुण्यम अग्निष्टोम सते नच तत पुण्यम लभते संभो कथा श्रवण मात्रतः। एक बार जो शिवपुराण की कथा को ध्यान से सुन लेता है, उसे राजसू यज्ञ करने का अपने आप फल प्राप्त हो जाता है। और पुरातत पुण्यम लभते संभो कथा श्रवण मात्रतः, केवल कथा के सुनने से जो कथा के पंडाल में बैठ के सुने या वो किसी टीवी चैनल के माध्यम से सुने, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम से सुने, जो एक बार शिवपुराण की कथा को सुन लेता है और कथा सुनते समय जो भी मन में संकल्प करता है उसकी हर कामना पूर्ण होती है। रोगी का रोग मिट जाता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, व्यापारी का व्यापार बढ़ता है, पति और पत्नी में प्रेम होता है, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में, रिश्तेदार रिश्तेदार में ये प्रेम करा देता है। साथ में जिनकी जिंदगी आज तक आगे नहीं बढ़ सकी, जिनको कर्ज हो गया है, जो आज तक कर्ज हम नहीं चुका पाए, केवल शिवपुराण की कथा सुनने मात्र से ऐसा रास्ता मिलता है, बहुत जल्दी ऋण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका निश्चित अच्छा रिश्ता प्राप्त होकर निश्चित ही विवाह हो जाता है। कन्या को सुंदर वर घर की प्राप्ति होती है, पुरुष को सुंदर लक्ष्मी रूपा नारी और ससुराल प्राप्त होता है। जिनको धन की कमी है उनके घर धन से भंडार भर जाते हैं। जिनके घर में कलेश होता है, द्वेष होता है, अशांति है, क्रांति है, भ्रांति है, सारे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली ये महाशिव पुराण की कथा है। सूत जी महाराज बोले, ए ऋषियों इतना नहीं, ये मानवा कृत पाप कृत धंधिना और झोली फैलाकर बैठना, कथा प्रारंभ हो रही है, महत्तम सुनाया जा रहा है, जो भी तुम्हारे मन में संकल्प है आप मन में विचार करके ध्यान से एक बार मन में संकल्प कर लेना, मेरे 30 सालों का प्रमाण है, हजारों नहीं लाखों भक्तों पर इसका प्रमाण मुझे मिला है,
जो एक बार कथा को सुनते समय मन में सोच लेता है उसकी हर कामना शिव महापुराण की कथा करती है। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला